ओके सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस जैसा भी आप अपने स्क्रीन पे वीडियो को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस भाई का अभी बैकग्राउंड जो है बिल्कुल ब्लैक है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने बैकग्राउंड को ग्रीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट आ रहा था भाई ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट कैसे करें बैकग्राउंड को, ठीक है। तो आज आपको यही बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, चले जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में या फिर गूगल में आ जाना है। सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड, ओके। एंड यहाँ पर ग्रीन, जैसे यहाँ पर आप सर्च करेंगे बैकग्राउंड को तो सिंपली आपके सामने इमेजेस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से गाइस आपको सिर्फ सिंपली एक इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको डाउनलोड करने के लिए जिस भी बैकग्राउंड को चाहिए क्लिक करना है और लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं करने वाला, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। एंड गाइस जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका ये जो इमेज है आपकी गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। एंड सिंपली गाइस आपको वीडियो को जो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको कैपकट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड कैपकट को यूज़ करने के लिए इंडिया में आपको वीपीएन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो आपका वीपीएन का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो वीपीएन ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, सुपर वीपीएन। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है एंड सेकंड आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो गाइस यहां पर कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली यहां से गाइस आपको सबसे पहले यहां पर वीडियो के बगल में आप देख रहे हैं यहां पर फोटोज का ऑप्शन है, तो फोटो वाले पे क्लिक करके यहां से आपको ग्रीन स्क्रीन जो आपने डाउनलोड किया था बैकग्राउंड उसको आपको यहां पर सेलेक्ट करके नीचे से ऐड कर देना है। ऐड कर लेंगे तो गाइस आपका यहां पर इमेजेस आ जाएगा एंड सिंपली आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिखेगा कैपकट का, आपको उसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद गाइस अभी आपको क्या करना है कि आपके जो ये इमेजेस है इसको आपको बिल्कुल लेंथ को इंक्रीज कर लेना है। जितनी भी आपकी वीडियो की ड्यूरेशन रहेगी, जिस वीडियो का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हिसाब से आप यहाँ पर इसको इंक्रीज कर लीजिएगा। सिंपली गाइस आपको यहाँ पर नीचे एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। तो चलिए ओवरले पे क्लिक करके एंड यहाँ से ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे पहले। तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको आप मतलब रिसाइज भी कर लीजिएगा। तो मैंने कर लिया है, तो अभी क्या करते हैं सेकंड अपना जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको ओवरले पे क्लिक करना है। ओवरले पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ऐड ओवरले पे क्लिक कर देना है। सिंपली गाइस आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी वीडियो को ऐड करना है। आप अपनी उसी वीडियो को ऐड करिएगा जिस वीडियो को आप बैकग्राउंड ग्रीन करना चाहते हैं। सिंपली मैंने इस संजू भाई की वीडियो को ऐड कर लिया है, इनका इंस्टाग्राम आईडी आप जानते होंगे संजू ऑफिशियल, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। तो गाइस जैसा भी आपने ट्रांजिशन वीडियो देखा था, अगर आपको उस ट्रांजिशन की भी अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप ग्रीन स्क्रीन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भाई का बैकग्राउंड है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट इफेक्ट पड़ रहा है बैकग्राउंड पे और थोड़ा सा मतलब इनका ट्रांजिशन है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ओके। अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल रहेगा, ज़्यादा लाइट वगैरह इफेक्ट नहीं ऐड रहेगा, तो बहुत सिंपल तरीके से आपका ये जो है बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से आपको कटआउट पे क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड वाले पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो पीछे का ग्रीन हुआ है एंड यहाँ पर हमारा टाइमर चल रहा है। तो गाइस जब तक हमारा 100 हो जाएगा, 100 होने का आप वेट करिएगा, 100 होते ही आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। बट अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे टाइमर चल रहा है और धीरे धीरे हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव हो रहा है। बट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई के वीडियो में इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि इन्होंने ट्रांजिशन वीडियो बनाया है तो इसमें इफेक्ट है एंड बैकग्राउंड पर लाइट इफेक्ट भी आ रहा है, तो जिसके वजह से ये बिल्कुल क्लीन से मतलब नहीं रिमूव हो पा रहा है, ठीक है। बट उसका भी सॉल्यूशन अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो देख सकते हैं गाइस हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, बट यहाँ पे बैक साइड आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का मतलब कि नॉइज आ रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है, मतलब बोले तो 85% हमारा हो चुका है,
लेकिन अभी हमारा फिर भी बैकग्राउंड में जो ब्लैक आ रहा है ये बहुत ही गंदा लग रहा है। तो अभी क्या करते हैं गाइस, इसको ठीक करने के लिए वापस पे कटआउट पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज वाले पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज वाले पे क्लिक करने के बाद गाइस अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने एक ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है, तो ब्रश वाले पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंपली ब्रश वाले पे क्लिक करना है। एंड गाइस आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि आपको इसको ब्रश कर लेना है अपनी पूरी बॉडी पे, पूरी करेक्टर पे। ठीक है, आपको करेक्टर पे अपने सिर्फ यहाँ पे पेंट करना है, अदरवाइज आप बैकग्राउंड पे नहीं करिएगा। ठीक है, आपको सिंपली इसको जूम करके अपने पूरे बॉडी पे इसको पेंट करना है। आप एक बार इसको पूरी बॉडी पे अच्छी तरह से टाइम निकाल कर अच्छे से इसको पेंट कर देंगे तो आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो बिल्कुल 110% रिमूव हो जाएगा और बिल्कुल ही क्लीन लगेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा ये जो बैकग्राउंड, हमारी जो कैरेक्टर है यहाँ पर थोड़ा सा खाली है, तो इस पर क्या करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पर पेंट कर देते हैं। बस आपको अपनी कैरेक्टर पर पेंट कर देना है। अगर मैं अभी यहाँ पर पूरा पेंट करूँगा गाइस तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग वीडियो को स्किप करके या तो फिर आधी वीडियो ही देख कर भाग जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता देता हूँ कि आपको कैसे बिल्कुल क्लीन रिमूव करना है। देख सकते हैं मैंने जहाँ पे पेंट किया, और पेंट करने के बाद गाइस अभी देख सकते हैं हमारे फिर से टाइमर जो है चल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने जहाँ पे पेंट किया था वहाँ का हमारा बिल्कुल वहाँ पे परफेक्ट रिमूव हो चुका है बैकग्राउंड। जहाँ पर हमारा बैक साइड में ब्लैक आ रहा था वहाँ पर अभी ब्लैक नहीं आ रहा है। ठीक है, नीचे नीचे ब्लैक आ रहा है क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे पेंट भी नहीं किया। तो आपको कुछ, अगर आपका भी सामने ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपली इसको जूम करिएगा और कस्टमाइज वाले पे क्लिक करके इसको अच्छी तरह से अपनी पूरी बॉडी पे कलर को अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड पहले से कितने ज़्यादा रिमूव हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को रोक के एंड मैं फटाफट यहाँ पर थोड़ा बहुत और करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं गाइस हमारे स्टार्टिंग का वीडियो है एंड यहाँ पे हमारा टाइमर चल रहा है, नीचे आप देख सकते हैं। और अभी हमारा देखेंगे आप हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से रिमूव हो गया है, देख ही सकते हो कितना ज़्यादा स्मूथ। तो आपको इसी तरह से अपनी बॉडी पे पेंट करना है। अगर गाइस आपको काइन मास्टर से चाहिए ट्यूटोरियल या VN ऐप से चाहिए तो कमेंट बताइएगा, मैं आपके लिए इससे भी सिंपल तरीके लेकर आऊँगा कि आप अपने बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं गाइस, इसको सेव करना है आपको, तो इसको आप ऊपर 10HP पे क्लिक करके यहाँ से हाई क्वालिटी में सेलेक्ट करके ऊपर से एरो पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना एंड चैनल पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।